हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू वेवलेंथ्स ऑफ 500 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर वर यूज्ड। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द मैक्सिमम कोइंसिडेंस अगेन द मैक्सिमम कोइंसाइड अगेन टेक डी बाई डी इक्वल्स 10^3। सिंबल्स हैव देयर यूजफुल मीनिंग्स। की कंसेप्ट। की कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब जिस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो टू वेवलेंस हैं 500 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर वो यूज किया, तो हम मान लेते हैं कि लेट N1 ब्राइट फ्रिंज कॉरस्पॉन्ड्स टू λ1 इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर एंड N2 ब्राइट फ्रिंजेस कॉरस्पॉन्ड्स टू λ2 इक्वल्स टू 700 नैनोमीटर। अब जो हमारा बोला है कि n1 मैक्सिमा ऑफ λ1 कोइंसाइड विद n2 मैक्सिमम ऑफ λ2, n1 λ1 d बाई डी इक्वल्स टू n2 λ2 d बाई डी। तो ये हमारा हो जाएगा n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2 और n1 बाय n2 इक्वल्स टू λ2 बाय λ1। वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 7/5, क्योंकि 700 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर तो 7/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 7th मैक्सिमा कोरिस्पोंड्स टू 500 नैनोमीटर कोइंसाइड्स विद 5th मैक्सिमम कोरिस्पोंडिंग टू 700 नैनोमीटर। उसके बाद क्या होगा, हमारा 14th मैक्सिमम ऑफ λ1 भी कोइंसाइड विद 10th मैक्सिमम ऑफ λ2, क्योंकि ये मल्टीपल में चलेगा। तो आगे लिखते हैं, 7th मैक्सिमा ऑफ λ1 कोइंसाइड विद 5th मैक्सिमा ऑफ λ2 और आफ्टर दिस फोर्टींथ मैक्सिमा ऑफ λ1 विल कोइंसाइड विद 10th मैक्सिमा ऑफ λ2। सो हम कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द मैक्सिमा ड्यू टू वेवलेंथ कोइंसाइड, वो क्या होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस निकालना था हमें। तो मिनिमम डिस्टेंस जहां पे कोइंसाइड करेंगे वो हो जाएगा n1 λ1 d बाई डी। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा 7 × 5 × 10^-7 डी बाई डी हो जाएगा 10^3। तो ये कैलकुलेट करने पे आएगा 3.5 × 10^3 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 3.5 mm। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।